नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पी के। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पहले कला के क्षेत्र में और अब राजनीति में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और बुंदेलखंड के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। चूँकि राजनीतिक चर्चा करने आए हैं तो राजनीतिक चर्चा के लिए अब चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार भी बन चुकी है। लेकिन सबसे पहले परिचय करा देता हूँ, आप हमारे साथ राजा बुंदेला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपने आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और आप लोगों का काफ़ी प्रयास किया आपने चुनाव में, और काफ़ी विरोध के बाद भी बुंदेलखंड में उन दोबारा से उन प्रत्याशियों को टिकट दिलवाए और उन्हें जिता भी दिया। लेकिन जो विरोध था वो जनता ने आखिर ऐसा क्या क्या नजर आया कि उस विरोध के बाद भी जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया? देखिए, एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बुंदेलखंड की जनता का आभार प्रकट करूंगा कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी उन्होंने दो तीन सीटों को चाहे किसी भ्रम में हारे लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट दिया, तो इसलिए बधाई के पात्र हैं हमारे बुंदेलखंड के लोग। ये सच है, आपने कहा कि विरोध तो था प्रत्याशियों का। मैंने महरौनी से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके गोरखपुर, जहाँ जहाँ जो मुझे पार्टी ने जवाबदेही दी उसमें गया, लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रगाढ़ विरोध था। और लोगों का तो ये कहना था कि साहब प्रत्याशी को मत भेजो, हम वोट तो मोदी और योगी को ही देंगे। तो ये संभवतः अब पार्टी को सोचना चाहिए और अब जितने भी विधायक जो चुन के गए हैं जनता के इस विरोध को उनको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जनता हर बार तो ऐसा नहीं करेगी कि मोदी और योगी की वोट देगी। इसमें हर आदमी की अपनी एक जवाबदेही बनती है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से जो भी जीते हुए हमारे विधायक हैं उनसे विनती करूंगा कि आप जनता के बीच में जाइए, चूंकि आप जनता के प्रतिनिधि बन के विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, उनको मनाने समझाने की कोशिश करिए। और सरकार इतना कुछ कर भी रही है जिसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा शिकायत होगी नहीं, और जो नहीं जाएगा तो आप ये भी मानिए कि ऊपर इस बात की रिपोर्टिंग हो रही है। अलग अलग स्लीपिंग सेल्स काम कर रहे हैं, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का, BJP का, और बुंदेलखंड विकास के बोर्ड के लोग जो गए थे वो भी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग अपनी जवाबदेही से अब बच जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। 2024 का चुनाव है और पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। अभी से ही चुनाव मूड में लोग उतर गए हैं, मोदी जी ने जाके अपना काम शुरू कर दिया है, तो उसके पहले गोवा, मध्य प्रदेश और फिर लोकसभा। तो हम तो चुनाव में हैं और चुनाव में फिर हमें पूरी तैयारी से जाना है, तो इन लोगों की जवाबदेही निश्चित तौर पर होनी चाहिए। दो मुद्दे थे चुनाव के, जो व्यक्तिगत जो प्रत्याशी होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के, उनका जनता का कहना था कि 5 साल तक जीतने के बाद विधायक जी हमारे पास नहीं आते, हमें नज़र नहीं आते, हमारी समस्याएं नहीं सुन पाते, हम कैसे उन तक पहुंचे, कैसे कहें। और दूसरी बात ये भी थी कि अगर वो किसी दूसरा विकल्प उनको चुनते हैं तो वहाँ पर उन्हें असुरक्षा का भाव था, इसलिए जनता ने एक बार फिर से योगी जी को वोट दिया है। तो क्या अभी फिलहाल शपथ ग्रहण नहीं हुई है, इसके बाद आपके द्वारा या आपके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किस इस तरह के कुछ आदेश दिए जाएंगे विधायकों को? नहीं, मुझे तो अभी शपथ ग्रहण के बाद ही अपनी जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे अपनी समीक्षा जो है वो हमें देनी है, तो वो तो मैं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए, आपको जनता ने अगर चुना है, जनता की मजबूरी का हम फायदा नहीं उठाएं। हम तो कहते हैं हम जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही करेंगे, हम सत्ता में हों या सत्ता के बाहर हों। लेकिन जो आपने कहा ना कि मजबूरी थी बेचारी, एक तरफ असुरक्षा थी, दूसरी तरफ नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने योगी और मोदी जी को चुना, तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात हुई। लेकिन उस अच्छी बात को गलत ढंग से तो इनकैश ना करें, उसमें सोने में सुहागा करें। और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन विधायकों से लोग नाराज हैं, जनता नाराज है, वो इस बार इस बात को समझेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। वरना देखिए, बुंदेलखंड का विकास संभव नहीं है। हम ये कहते रहे योगी मोदी आएंगे और विकास करेंगे और विधायक नहीं होंगे, सांसद नहीं होंगे, तो कैसे विकास होगा? अब एक बार हम कमर कस लें। और जो एक और बड़ा कारण है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, 25 करोड़ की आबादी वाला ये पूरा प्रदेश, उसमें बुंदेलखंड इतना फैला हुआ, तो एक विधायक को भी बड़ी मुश्किल है, एक सांसद को भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी समय निकाला जा सकता है।
के लोगों से मिलें, अगर सारे लोगों से ना मिलें तो जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, ये मेरी सलाह है। वरना निश्चित तौर पर इस बार पार्टी संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद फिर पार्टी को क्या करना है वो जानते हैं। एक बाबा का एक बड़ा अच्छा स्लोगन चला था इस चुनाव से पहले कि बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर, अराजक तत्वों पर चलेगा। हालांकि पिछले 5 साल में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, कुछ बड़े नेताओं पर और बाहर कार्रवाई हुई है, लेकिन बुंदेलखंड में अभी फिलहाल बाबा का बुलडोजर नहीं देखा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों की ज़मीनों पर कब्जे नहीं हुए और लोग परेशान नहीं रहे, तो ऐसे अराजक तत्वों पर क्या इस बार जो बाबा ने कहा था कि बुलडोजर आएगा, तो क्या बुंदेलखंड में देखिए, सबसे पहले बड़े मगरमच्छों को मारना बहुत ज़रूरी था जी। शार्क थे वो, जैसे आप दूसरी भाषा में कहें, उन पे काबू पाना बहुत ज़रूरी था। ये जो आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं और इनका भी अब नंबर आ गया है। मैंने परसों ही एक अखबार में पढ़ा, 139 लोगों को बुंदेलखंड में, ललितपुर और झांसी में चिन्हित किया गया है, जिनकी प्रॉपर्टी जो खरीद पर उक्त हुई है उसकी डिटेल मांगे गए हैं। कोई बचेगा नहीं, अब तो 5 साल का पीरियड है, बाबा के पास पूरा बहुमत है और बाबा ने नए बुलडोजर भी मंगा लिए हैं, तो कोई नहीं बचेगा। आप निश्चित ये मान के चलिए कि जहाँ पर भी गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ की जवाबदेही जिसने किए है और जिसके द्वारा हुई है और जिसने करवाया है, तीनों के ऊपर बिल्कुल कहीं ना कहीं से कानून का शिकंजा कसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।